अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ओट शरीफ और हेड पांडांत का। हम 5 मिनट स्टॉप करेंगे और हेड पांडांत पर, फिर हम जाएंगे ओट शरीफ। उधर हम आपको खूबसूरत मकबरे और मज़ारात दिखाएंगे। अच्छा जी, हम अब फाइनली 30 मिनट की राइड करने के बाद हेड पांडांत पर पहुंच चुके हैं। हम आपको इसकी तारीख के बारे में बताएं तो ये तकरीबन 200 साल पुराना है। ये ब्रिटिश दौर हुकूमत में बना था। इससे निकलने वाली तमाम नहरें जनूबी पंजाब, साउथ पंजाब को ये सिराब करती हैं, फिर उसके बाद ये सिंध में दाखिल हो जाती हैं, सिंध को भी ये सिराब करती हैं। तो हम फिर आपको ये ब्रिज दिखाते हैं, इसकी खूबसूरती, किस तरह से ब्रिज खुले हुए हैं, पानी निकल रहा है, नहरें भी दिखाएंगे आपको। फाइनली जी, अब हम हेड पांडांत से निकल रहे हैं और ओट शरीफ की तरफ सफ़र कर रहे हैं। अब हम ना तकरीबन 35-40 किलोमीटर का फासला तय करके ओट शरीफ पहुंच गए हैं। ये जी सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश की मज़ार है, उसका ये बिरौनी मंजर है। अच्छा जी, फाइनली हम आ चुके हैं ओट शरीफ सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर। तो उसकी हम आपको ये एक्सप्लोर करेंगे, उसकी पूरी मज़ार का, इधर मस्जिद है तारीखी, वो भी आपको दिखाएंगे। तो सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश की हिस्ट्री ये है, तारीख ये है कि वो उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा से ताल्लुक़ रखते थे और वो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के फॉलोअर में से हैं। नाल दम दम कर वजू नफली हरम दे विच पढ़ू, एक दा लख मिलदे जी था, एक दा लख मिलदे जी था, बख्शिश अता दे वास्ते। अब जी हम आ गए हैं बीबी जीवंदी के मकबरे पर। आ गए हैं, 3 मकबरे हैं यहाँ। बीबी जीवंदी जो है ना, ये सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश की ये पोती है। अच्छा, तो इसके साथ 2 और भी मकबरे हैं, जिनमें एक मकबरा है बीबी जीवंदी का, दूसरा मकबरा है बहावल हलीम का और तीसरा है मकबरा उस्ताद नूरिया का। तो आए हम आपको ये 3 मकबरे आपको खूबसूरत दिखाते हैं। ये जी खूबसूरत मंज़र है बीबी जीवंदी के मकबरे का। ये जी, इसको बहुत सारा नुकसान पहुंचा था, आज से तकरीबन 200 साल पहले यहाँ पर फ्लड आया था। ये 3 मकबरे ये टूट गए थे, इसकी बिरौनी साइड ये जना गिर गई थी। और इन मकबरों में जो ताबूत थे वो भी पानी अपने साथ उसको बहा कर ले गया।
अच्छा जी, ये दूसरा मकबरा है, ये उस्ताद नूरिया का मकबरा है। ये मेरे ख़्याल में हमको मकामी बंदे ने बताया है कि ये उस्ताद नूरिया जो है ये मकबरा बनाने वाला है। ये इसने ही तीनों मकबरे बनाए थे। इन मकबरों को बनवाया था रियासत बहावलपुर के नवाबों ने बनाया था। ये उच शरीफ एक तहसील है और इसका डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो ज़िला बहावलपुर है। खस्ता हाली का शिकार है जी, इसको सिलाब ने बारिशों ने बहुत ही नुकसान पहुंचाया हुआ है। महकमा आसार कदीमा पाकिस्तान ने इनको रीन्यू करने का बेड़ा उठाया हुआ है और वो अब कोशिश कर रहे हैं कि इनको महफूज किया जाए। अच्छा, इस शहर की तारीख ये है कि ये बहुत ही पुराना शहर है, तकरीबन 5000 साल पुराना शहर, और इस पर सिकंदर आज़म ने भी हमला किया हुआ है, इस पर मंगोलों ने भी कोशिश की है इस पर हमला करने की और इनको फतह करने की। अंदरूनी मंज़र है जी, ये जी मकबरा रीन्यू हो रहा है आसार कदीमा पाकिस्तान की जानिब से। ये देख रहे हैं, ये नई ईंटें लगी हुई हैं, ये इसका नया नक्शा बनाया जा रहा है। इसकी पुरानी ईंटें वही ब्लू कलर की लगाई जा रही हैं। ये अभी ये बन रहा है, इसको रीन्यू कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान। अच्छा, ये जी है ना, अब हम आखिरी और तीसरा मकबरा आपको दिखा रहे हैं। ये है सैयद हलीम शाह का। तो ये मकबरा भी बहुत छोटा है उनकी निस्बत, वो दोनों बड़े हैं, ये छोटा है थोड़ा। तो फाइनली आज हमारा विला ख़त्म हुआ यहीं पर। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।